स्वयं साथ संडे है, आप में से काफ़ी सारे लोग मॉक टेस्ट लिख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग का इतना हो सकता है हेक्टिक स्केड्यूल ना हो, सोचने की ज़रूरत है। टाइम करीब 180 दिन बचा है, क्या आप अपनी पढ़ाई में बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं? अब ये बैलेंस का मतलब क्या है? एक चीज़ तो ऑब्वियसली दिखाई देती है, सिलेबस कंप्लीशन आपका चल रहा होगा, खासकर आप ड्रॉपर हैं, आपकी तैयारी ही एक फुल स्विंग में चालू हुई जब आपका नीट का एग्जाम खत्म हो गया 17 जुलाई को। 1, 2, 5 अगस्त, 10 अगस्त कुछ लोगों ने सितंबर में तैयारी चालू की, कुछ लोगों ने अक्टूबर में तैयारी चालू की। तो एक तो काम है हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करते हुए बैकलॉग हो जाएगा, बैकलॉग रिकवरी करनी है, और सिलेबस भूल ना जाए जो भी पढ़ाई की रिविजन करना है एक लेवल पर। तो ये चीज़ें इनको बैलेंस मेंटेन करना है, पर असलियत में बैलेंस और भी ज़्यादा है। ना सिर्फ आपको सिलेबस कंप्लीशन करना है, बैकलॉग रिकवरी करनी है, रिविजन करना है, तीनों सब्जेक्ट में करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और तीनों सब्जेक्ट में थ्योरी भी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है और मॉक टेस्ट भी करना है ना। 96 चैप्टर 180 डेज रिमेनिंग, एक बेचारा नीट एस्पिरेंट। और काफी सारे लोग इस चीज को फर्दर कॉम्प्लिकेट करते हैं मल्टीपल सोर्सेस, है ना, टेंशन लेके विदाउट टाइम टेबल पढ़ाई कर रहे हैं, टारगेट सबमिट करने में जान निकल जाती है यार, क्यों? सोचो जरा क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, एम्स जल्दी निकालेंगे, पर 2 वीक कोई माइक्रो टारगेट नहीं है, है ना? हमने सोचा नहीं है कि व्हेन एंड हाउ, कब मैं रिवीजन करूंगा, कब मैं बैकलॉग रिकवरी करूंगा। ठीक है, तो मैं आपसे इस वीडियो के थ्रू पूछना चाहता हूं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सिंपल सी चीज, क्या बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं? आपको बैलेंस मेंटेन करना आसान नहीं है, ठीक है, यू कैन कॉम्प्लिकेट इट अ लॉट। 2 शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं, 2 शेड्यूल्स, है ना, एक कोई कोचिंग में चल रहा है, एक ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है, दोनों का शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, घनचक्कर बन गए। देख लीजिए एक बार, हमें स्क्रीन में नहीं आ रहा, एक बार इस वाली पिक्चर को देख लीजिए, जरा सोचिए कि आप भी इस गफलत में फंस गए हैं क्या, गफलत, क्योंकि गफलत इस समय आपकी साथी नहीं है। यदि आप कंफ्यूज्ड हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, पढ़ते तो हैं पर एंड में लगता है दिन के एंड में कुछ अचीव नहीं किया, तो गाइस गड़बड़ हो जाएगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, यदि आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो मुश्किल होगी। आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, ये जो मैंने सिंपल सा बैलेंस बताने का कहा था, इसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तो मैं आपसे इस वाले वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी पढ़ाई में बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं? टाइम खत्म हो रहा है, अभी कुछ किया जा सकता है, 1.5-2.5 महीने के बाद पैनिक सेट इन होना चालू होगा, वही ढाक के 3 पात, पिछले बार भी यही गड़बड़ हुई थी, एंड में जाके चीज़ें समझ में तो आई, फिर टाइम नहीं बचा था और वापस यही हो रहा है। तो आपको यदि अपनी पढ़ाई में बैलेंस मेंटेन करने की मुश्किल हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बैलेंस मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, सिलेबस कंप्लीशन बैकलॉग रिकवरी वापस देख लीजिए, रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी करूं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करूं, मॉक टेस्ट लिखूं, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा शेड्यूल फॉलो करूं, आज क्या पढ़ूंगा नहीं पता, ये किताब पढ़ूं वो किताब पढ़ूं, कब रिवीजन करूं, कब बैकलॉग रिकवरी करूं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए एग्जैक्टली किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में उन वाले क्वेश्चंस का आंसर करूं। ठीक है, मैंने कोरा पे देखा है, जो हम टारगेट, मैं पर्सनली अपने कोरा प्रोफाइल पे जो डाल रहा हूं कि आप बता दीजिए आज आपका टारगेट क्या है, और सोने से पहले बता दीजिएगा कितना कंप्लीट हुआ। कुछ लोग कर पा रहे हैं, पर काफी सारे लोग ऐसा लग रहा है, देखते हैं और सोचते हैं ओ शिट ये क्या है, मैंने तो सोचा नहीं, आज क्या करूंगा, रात तक क्या खत्म कर लूंगा, कुछ नहीं पता, और फिर एक और दिन निकल जाता है। ये 179 हो जाएगा, 178 हो जाएगा, और एक दिन वो आ जाएगा जब 30 दिन 50 दिन 60 दिन बचेंगे, चैप्टर इतने रहेंगे, 96 चैप्टर, और फिर गड़बड़ हो जाएगी गाइस। तो सॉल्व करते हैं, जरा मुझे बताइए, शांति से सोचिए, संडे है, शांति से सोचिए, कमेंट सेक्शन में जरा सोच के बताइए एग्जैक्टली क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है।
मेरे पास सोल्यूशन होंगे, पर मैं सोल्यूशन आपके क्वेश्चंस के आंसर के रूप में देना चाहता हूँ। मैं सोल्यूशन अपनी तरफ से नहीं देना चाहता। आप क्वेश्चन पूछिए कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। क्वेश्चन पूछिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों।